नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, जैसे कि मैं आपको पिछले काफी समय से GS जनरल स्टडी का बहुत सारा पार्ट आपको कवर करके पढ़ा रहा हूं, जैसे उसमें स्पेशली मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी हमेशा पढ़ाता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं पहले से पिछले बैचों में। अब हमारे जो नए बैच लॉन्च हुए हैं उस सारे बैच में मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को कवर करूंगा और आप सबके सहयोग की मुझे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, तो इसलिए मैं आपको आज आपसे मैं थोड़ा सा एक आपको डेमो वीडियो पढ़ा देता हूं। आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम इस तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं और इस तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ये मेरा एक हिस्ट्री का लेक्चर है, छोटा सा ही लेक्चर होगा, एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं कि इसमें लिखा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। अच्छा, वैदिक सिविलाइजेशन को अगर पढ़े तो कम से कम 2 डेज का लेक्चर होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 1 आवर का कम से कम लेक्चर होना चाहिए, तब जाकर के हम इतना कर पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं इतना लंबा लेक्चर आपके लिए नहीं लेने वाला हूँ, मात्र छोटा सा लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक इंट्रोडक्शन, एक आपसे आपके मेरे बीच में जो वो है वो दिखाई दे जाएगा कि हम कैसे जनरल स्टडी को प्यार के साथ में पढ़ते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ते हैं, और कैसे कैसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ से आते हैं, तो ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो चलिए बेटा, अगर ज्यादा देर नहीं करते, अगर इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर आप जब वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि इंडियन हिस्ट्री को हम जहां से पढ़ना शुरू करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो 3 पार्ट में कैसे करते हैं, एक करते हैं प्री हिस्टोरिक, एक करते हैं बेटा आपका प्रोटो हिस्टोरिक, और एक करते हैं हिस्टोरिक। तो 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ऐसे करके बात किया आपने पढ़ा होगा। तो एक सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं प्री हिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल। थोड़ा सा ब्रीफ में पहले आपको पहले से बता दूं, मैंने ये टॉपिक लिख दिया तो अब इसको ही पढ़ा देता हूं, जब आपको क्रम से पढ़ाऊंगा वहां पर सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो प्री हिस्ट्री क्या होता बेटा, प्रागैतिहासिक काल, कि जिसका कोई रिटन एविडेंस ना हो, मतलब जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। हम उसमें पढ़ते क्या है, तो उसमें पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, और फिर उसके बाद न्यूलिथिक एज, और एक कैल्कोलिथिक एज पढ़ते हैं, मतलब पुरापाषाण काल पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं। तो प्री हिस्टोरिक एज है वो। इसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़े तो हिस्ट्री को तो हम वहां से पढ़े, प्री हिस्ट्री से लगा करके पढ़े, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो को पढ़े। लेकिन हमने जो टॉपिक आपके सामने ले लिया, उठा लिया वैदिक सिविलाइजेशन का, तो चलो मैं उसको इससे जोड़ देता हूं। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ आती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो मोस्टली जो डिपेंड करती थी वो किस पर डिपेंड करती थी, ट्रेड पर करती थी बेटा। किस पर करती थी, ट्रेड पर करती थी, एंड कॉमर्स पे करती थी, मतलब वो व्यापारिक थी। और जो व्यापारिक सभ्यता थी और आपकी व्यापारिक और वाणिज्य सभ्यता थी, तो वो किस पर ज्यादा किस पे बनी होगी, अर्बनाइजेशन। वो नगरीय सभ्यता भी रही होगी, कैसी रही होगी, नगरीय सभ्यता। तो वो एक सभ्यता जो 2500 बीसी से शुरू होकर के और जो समाप्त हो जाती है 1750 बीसी के बीच में, इतने डेवलप्ड सिविलाइजेशन अचानक कहां चली जाती है, तो यहां एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि एक सिविलाइजेशन कहां चली जाती है, तो उसके लिए एक टॉपिक होता है डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब डाउनफॉल पढ़ेंगे, डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम पढ़ेंगे, तो जहां पर हम डाउनफॉल पढ़ रहे होंगे वहीं पर हम क्या चीज देख रहे होंगे, वहीं पर एक नई सिविलाइजेशन का राइज देख रहे होंगे। राइज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन मतलब वैदिक सभ्यता का उदय, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और वैदिक सभ्यता का उदय, ये हम पढ़ रहे होंगे। तो जब हम यहां पढ़ेंगे तो अब हमने पढ़ना क्या है कि वैदिक सिविलाइजेशन को, तो यहां पर हम देखते हैं कि उसका तो पतन हुआ होगा और इसकी शुरुआत हुई होगी, तो कैसे हुआ होगा, इस कड़ी को जोड़िए। जब इस कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके दिमाग के सारी चीजें खुलती चली जा रही है और हम इसको पढ़ लें। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, आप एक मानचित्र बनाइए, मानचित्र बनाइए, और सबसे पहले देखिए कि भाई वो समाप्त क्यों हुई और ये क्यों आई। तो यहां पर मैं सिर्फ टू द पॉइंट ना पढ़ा करके आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक सभ्यता जाती है और दूसरी सभ्यता आती है, तो उसके बीच में ऐसा क्या होता है। तो देखिए, उसके भी रीजन रहे होंगे, कॉजेज ऑफ क्या रहे होंगे, कॉजेज ऑफ डाउनफॉल किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और
इसके राइज कॉजेस और राइज कॉजेस रहे होंगे, मतलब उदय के क्या कारण थे इसके, तो इन चीजों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं सीधे सीधे आपसे कह दूं कि बताइए रीवर्थ का जो एविडेंस है वो किस वेद में मिलता है या किस इपिक में मिलता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर लिखा दूं मैं, सतपद ब्राह्मण, क्या वो बता देना ही सही होगा या फिर आपको वैदिक सिविलाइजेशन का एक आपको दिमाग में पूरी तरीके से छाप दे कि ये है वैदिक सिविलाइजेशन जो जीवन भर कभी आपके दिमाग से ना निकले। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ले लेते हैं अपना एक मैप और उस मैप के माध्यम से हम इसको पढ़ना शुरू कर दे तो क्या बुराई है हमें। तो यहाँ पर हम मैप ले लें, मैप ले लें, क्या दिक्कत है, मैप को ले लेते हैं। अगर मैप लेते हैं तो इस मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैप आपको दिख रहा है, इंडिया का मैप आपके सामने आया। अब इस मैप को जब आपने देखा बेटा तो यहाँ देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी बेटा भारत में वो कहां पर थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मांडा से लगाकर बलूचिस्तान, यहां यहां से लगाकर दैमाबाद और यहां से लगाकर यूपी के मेरठ और मेरठ से लगाकर के ये इतना, इतने क्षेत्र में एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां से हट गई और इसी क्षेत्र में वैदिक सिविलाइजेशन इस्टैब्लिश हो गई। तो वैदिक सिविलाइजेशन इस्टैब्लिश कैसे हुई और वो कैसे हटी, तो उसके कॉजेस तो ये बताए गए कि हो सकता है लैंड स्लाइड हुआ हो, फ्लड आया हो, डाउनफॉल के तो ये बता दिए गए हो, लेकिन उनके ही कारणों में से एक कारण आपके सामने निकल के आता है और वो कारण कौन सा है बेटा, वो कारण है कि फॉरनर अटैक या एक्सटर्नल अटैक, बाह्य आक्रमण हुआ होगा, बाह्य आक्रमण हुआ होगा। तो बस इन्हीं चीजों को आपको देखना है, तो इस पर बाह्य आक्रमण कहां से हुआ होगा, यहां से हुआ होगा या यहां से ये लोग आए होंगे। तो अगर हम देखें तो यहां से बाहर से एक अटैक होता है और यहां से इंडिया में अटैक होता है, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे, एशिया माइनर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एशिया माइनर कहेंगे, एशिया माइनर कहेंगे, मतलब मध्य एशिया से अटैक होता है, यहां से अटैक इस पर होता है। ये सभ्यता आपके समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि उसका डाउनफॉल का रीजन है और इसके उदय का रीजन है वैदिक सिविलाइजेशन की। तो यहां पर चार क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, चार क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वेयर डिड द आर्यंस, क्या क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, वेयर डिड द आर्यंस, वेयर डिड द आर्यंस, आर्यंस कम टू इंडिया, कम टू इंडिया। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हिंदी में अगर बात करें कि आर्य भारत में कहां से आए, आर्य भारत में, भारत में कहां से आए, कहां से आए, ठीक है बेटा। तो यहां फ्रॉम और लिख देंगे, कहां से भारत में आए, तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ गई तो इसके चार रीजन हम आपके सामने लेके आते हैं कि आर्यंस जो थे द्रविड़ सभ्यता वाले कहां से आए थे। तो हम चार को पढ़ेंगे, बुक में बहुत सारी चीजें हैं, बुक में बहुत सारी चीजें हैं, हम चार को पढ़ेंगे, चारों ले लेते हैं। चार कौन कौन से ले लेते हैं, देखिए एक सबसे पहला एशिया माइनर, कौन सा आया बेटा, एशिया माइनर आया, एशिया माइनर आया, एशिया माइनर आया, मतलब इसे हम हिंदी में कहेंगे मध्य एशिया, मध्य एशिया कहेंगे हिंदी में, मध्य एशिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यही जो है सर्वसम्मति एक मत है, सबने माना हाँ यहां से आए थे, एशिया माइनर से आए थे। और इन्होंने किस पर अटैक कर दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अटैक कर दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हटा दिया और उसकी जगह पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक ने कहा, किसने कहा कि भैया ये आर्य जो थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए, आर्कटिक प्रदेश से आए, आर्कटिक कहां से आए, आर्कटिक प्रदेश से आए, तो प्रदेश को प्रदेश लिखेंगे, आर्कटिक प्रदेश से आए। ये किसने कहा, ये बात याद रखो, आर्कटिक प्रदेश से आए, आर्कटिक प्रदेश से आए। अच्छा एक ने कहा कि आर्य इंडिया में जो आए वो कहां से आए, तिब्बत से आए, कहां से आए बेटा, तिब्बत से आए, तिब्बत से, तिब्बत से आए थे बेटा। तो ये किसने कहा, तिब्बत से आए, ठीक है ये याद रखना। और एक याद रखना बेटा, सप्त सैंध प्रदेश, एस ए पी टी, सप्त एस ए एन डी एच ए वी, सैंधव और प्रदेश, प्रदेश, ये बात किसने कही हिंदी में, चलो हिंदी नहीं लिखता इसकी, सप्त सैंधव से आए, ये किसने कहा। तो ये सारी बात याद रखो, ये चार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से इंडिया में आए थे तो ये बात किसने कही, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखिए, पहले वाला मध्य एशिया से किसने कहा, तो
तो मध्य एशिया से किसने कहा बेटा, मध्य एशिया से कहा मैक्स मूलर ने। किसने कहा बेटा, मैक्स मूलर ने कहा। मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया से भारत में आए थे, ठीक। और यही मत सर्वमत है, अगर पूछा जाए केवल ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया फ्रॉम, कहां से आए, और चार ऑप्शन लिखे हैं या दस ऑप्शन लिखे हैं, तो आप आंसर ढूंढ करके क्या लगाने वाले हैं, एशिया माइनर लगाने वाले हैं, एशिया माइनर लगाने वाले बेटा, एशिया माइनर लगाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा थॉट पूछे जा सकते हैं कि आर्य वहां से आए तो किसने कहा था, तो आर्कटिक प्रदेश से आए, तो ये बात किसने कही बेटा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कही। किसने कही, बाल गंगाधर तिलक ने कही। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कही क्या बात, कि भैया आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश जान रहे हो, नॉर्थ ग्लोब उसे कहते हैं पोल को। तिब्बत से आए, चाइना का तिब्बत वाला भाग वहां से आए। ये किसने कहा, तो दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। और सप्तसैंदर प्रदेश से आए, तो ये किसने कहा, ये कहा अविनाश चंद्रा ने। ये किसने कहा, अविनाश चंद्र ने कहा, अविनाश चंद्र ने कहा, ठीक है बेटा। तो अब ये पांच क्वेश्चन आपके सामने आ गए, चार ये है और पांच वाई, ठीक है। तो यही एक छोटा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको देना चाहता हूं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। एशिया माइनर से वो आ गए, उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको, उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्रविडियंस को रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह पर आकर के भारत में आप रुक गए, और एक नई सिविलाइजेशन उन्होंने शुरू कर दी, जिसका नाम था वैदिक सिविलाइजेशन या फिर आर्यन सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन को हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन और एक पढ़ेंगे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, ऐसे करके पढ़ेंगे। फिर इसमें सारे वेदों को पढ़ेंगे, किस वेद में क्या एविडेंस मिलता है, किस ग्रंथ में कितना क्या मिलता है, इसके उपवेद क्या है, यहाँ पर नदियों के क्या नाम थे, ये सारी बात हम पढ़ाएंगे आपको बेटा। तो आपके जितने बैच लॉन्च हुए हैं वहां पर मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हुआ आपको दिखाई दूंगा, इसी तरीके से मैप के माध्यम से हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश विद आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। अब इस वीडियो को यहीं ज्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि कैमरे पे थोड़ी सी सीलन आ रही है, तो इस वजह से वीडियो ब्लर हो रहा है। तो अगली वीडियो मैं फिर आपको लेकर के आऊंगा और ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब के माध्यम से भी आपके कई टॉपिक कवर हो जाएंगे धीरे धीरे। आप इस वीडियो को देखिएगा, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट फॉर आईक्यू को ज्वाइन कीजिए, और जल्दी से देर न कीजिए, क्योंकि अभी होली के बाद मैं आपकी क्लासेस क्रमबद्ध चलाने वाला हूं, और क्रमबद्ध क्लासेस होंगी, आप जल्दी से क्लासेस में पढ़िए। ये गारंटी हमारी है, हमारे चैनल की है, हम पूरी तरीके से आपको पढ़ाएंगे इसको, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। वो आगे आपकी किस्मत मेरी किस्मत कि मेरे बच्चों के साथ क्या होता है, लेकिन छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं है, वो अलग बात है, भगवान से बढ़कर बात नहीं कहते, लेकिन ये दावा करते हैं कि जहां आप मोटी मोटी फीस में पढ़ते हैं उससे कम फीस में ही हम आपको बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, बायलैंग्वल करेंगे। कहीं पर कुछ लैंग्वेज में दिक्कत होती है तो आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, या ऐसा कुछ होता है ऐसे मिल करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो एक आपको ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है, जो आपको पता चल गया होगा इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बेटा। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।